तो गाइज ये है Realme की तरफ से आने वाला एक और इंटरेस्टिंग सा TWS जिसका नाम है दोस्तों Realme T300। इसे गाइज मैंने Amazon से फर्स्ट सेल में परचेज कर लिया था 2299 में। पिछले दो दिनों से इस TWS को दोस्तों मैं यूज भी कर रहा हूं और गाइज 2299 में काफी सही फीचर इस TWS में आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको Realme Link ऐप का सपोर्ट देखने को मिलेगा, 40 आवर का प्ले टाइम मिलता है और गाइज 30 DB तक का इसमें आपको ANC मिल जाएगा। बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और गाइज हैवी टेस्टिंग के साथ रिव्यू करने वाले हैं। अपना दो दिनों का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वाले वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइज वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको Realme की ब्रांडिंग मिलेगी और गाइज यहाँ पे इन्होंने एक 3D पिक्चर भी लगाई है TWS की। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, जैसे 12.4 mm के इसमें आपको डायनामिक बेस ड्राइवर देखने को मिलते हैं, 30 DB तक का ANC मिलेगा और गाइज इसमें आपको 40 आवर का प्ले टाइम भी मिल जाएगा। इस साइड आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, जैसे 360 स्पेशियल ऑडियो इफेक्ट, 50 आवर लो लेटेंसी, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बॉक्स को खोल के देखा तो उसमें मुझे एक यूजर मैनुअल मिला, एक टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग केबल भी मिल गया था और गाइज 4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं जो आप अपने कानों के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसका डिजाइन मुझे काफी ठीक ठाक लगा है। कुछ रेक्टेंगुलर शेप में इसका केस देखने को मिलता है और दोस्तों केस छोटा भी है, कैरी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉम्पैक्ट है। तो दोस्तों अगर आप इसे सिंगल हैंडेडली पकड़ रहे हो तो दोस्तों आपके यहां से दिखाई भी नहीं देता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों फुली मैट फिनिश के साथ ये केस आपको मिल जाता है और गाइज इसमें जो प्लास्टिक यूज किया है वो भी मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और गाइज एक लाइट इंडिकेटर भी इन्होंने लगाया है। यहाँ पे आपको टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों बैक साइड में हमारा केस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके हिंज की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों हिंज की क्वालिटी भी मुझे काफी बढ़िया लगी है। ओपन क्लोजिंग काफी अच्छे से ये केस हो रहा है और दोस्तों बिल्कुल भी लूज इसका हिंज नहीं है। अगर आप अपने केस को उल्टा कर रहे हो तो दोस्तों आपके बर्ड्स बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। अंदर की साइड इन्होंने जो प्लास्टिक यूज किया ये भी मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाते मैट फिनिश के साथ और दोस्तों सामने की तरफ आपको ग्लॉसी टाइप के मिल जाएंगे। लेफ्ट राइट भी दोस्तों इन्होंने मेंशन कर दिया है और गाइस लाइट वेट काफी ज्यादा ये बर्ड्स मुझे लग रहे हैं। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों इंस्टेंटली आपके डिवाइस से ये TWS पेयर हो जाते हैं, यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और गाइस साथ ही साथ आपको हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक AAC और दोस्तों SBC का सपोर्ट देखने को मिलता है। ओपन टू पेयर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप अपने केस को क्लोज करो आपके डिवाइस से डिसकनेक्ट हो जाएगा और गाइस जैसे ही आप ओपन करेंगे फिर से आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें आपको Realme Link ऐप का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। ये ऐप आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों इस ऐप को मैंने डाउनलोड कर लिया और दोस्तों अपने TWS को भी कनेक्ट कर लिया है। ऐप की UI मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐप की UI कुछ इस तरीके से मिल जाती है। यहाँ पर आपको Realme Buds T300 मिल जाएगा, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ से दोस्तों आप अपने बर्ड्स की बैटरी चेकआउट कर पाएंगे, लेफ्ट बर्ड कितना चार्ज है और दोस्तों राइट बर्ड कितना चार्ज है। यहाँ से दोस्तों एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर पाएंगे, यहाँ से दोस्तों ऑफ भी कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करने का फीचर मिल जाता है। अगर आप साउंड इफेक्ट में जाओ तो दोस्तों यहां पे आपको मिल जाता है क्लियर वोकल्स, नेचर बैलेंस, क्लियर बेस, बेस बूस्ट और दोस्तों इक्वलाइजर भी मिल जाता है। तो दोस्तों यहां से आप अपने तरीके से कोई भी साउंड अपने तरीके से इक्वलाइज कर पाएंगे। यहां पे आपको मिल जाता है दोस्तों स्पेशल साउंड को ऑन ऑफ करने का फीचर। तो दोस्तों यहां से आप अपने स्पेशल साउंड को ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहां पे आपको वॉल्यूम एनहेंसर को ऑन ऑफ करने का फीचर मिलेगा, गेमिंग मोड को ऑन ऑफ कर पाएंगे, फाइंड माय फोन को ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहां पे आपको बटन सेटिंग देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहां से सारे टच कंट्रोल आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये ऐप मुझे काफी यूजफुल लगा है। और गाइज इसके फिटिंग और कंफर्ट की बात करें तो दोस्तों ये TWS मुझे कंफर्टेबल काफी ज्यादा लगे हैं। उसकी वजह है इसका वेट। वेट दोस्तों बहुत कम है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करो ऑनलाइन क्लासेस के लिए या दोस्तों ऑफिस वगैरह में यूज करो तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा, दोस्तों कोई भी इरिटेशन वगैरह भी महसूस नहीं होगा। फिटिंग की बात करूं तो दोस्तों फिक्स भी काफी अच्छे से आपके ईयर में हो जाएंगे। अगर आप इसे रनिंग के टाइम या वर्कआउट के टाइम या दोस्तों ट्रैवलिंग के टाइम यूज करो तो दोस्तों आपके कानों से बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं
नहीं है। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपको 50 मिली सेकेंड लो लेटेंसी के साथ डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिल रहा है। तो दोस्तों गेमिंग का एक छोटा सा टेस्ट करके मैं पहले आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। फिर गाइज मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गेमिंग मोड ऑन करना है तो दोस्तों ऐप में जाके आप इसका गेमिंग मोड भी ऑन कर पाएंगे। गेमिंग टेस्ट देख के आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोस्तों इससे मैंने BGMI के बहुत सारे गेम्स प्ले करे थे, मुझे गाइस ऐसा लगता है 40-50 मिली सेकेंड लो लेटेंसी के साथ इसमें आपको गेमिंग मोड मिल रहा है। तो दोस्तों कैजुअली गेमिंग करते उसके लिए आप इसे कंसिडर कर लो, कोई भी दिक्कत वगैरह आपको नहीं आएगी। मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप आसानी से परचेज कर सकते हो। लेकिन गाइस प्रोफेशनली गेमिंग करते उसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको माइनर सी लेटेंसी मिल रही है। इसके ANC की बात करूं तो दोस्तों इसका ANC मुझे डीसेंट टाइप का लगा है, मैं ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोस्तों जब मैं इसे आउटडोर में यूज कर रहा था तो दोस्तों मुझे ऐसा फील हुआ है बैकग्राउंड की नॉइस 70% तक ही कैंसिल कर पा रहा है। जैसे आपके पास खड़े होकर कोई बातें कर रहा है वो आपको सुनाई देगा, लेकिन दोस्तों दूर से कोई बातें कर रहा है वो आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ANC में थोड़ा और इंप्रूवमेंट होना चाहिए था इस प्राइस सेगमेंट में। लेकिन गाइस ट्रांसपेरेंसी मोड इसका काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे आप वॉकिंग एरिया में जा रहे हो या दोस्तों पार्क वगैरह में जा रहे हो या रोड वगैरह में जा रहे हो, तो दोस्तों आपको पक्का पता लग जाएगा कि पीछे से क्या आ रहा है। तो दोस्तों इसका जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो मुझे काफी ठीक ठाक लगा है। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले 2 दिनों से इस TWS को मैं यूज भी कर रहा था। गाइज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोस्तों मुझे ऐसा लगा है अगर आप इसे नॉर्मल यूज करो तो दोस्तों केस वहां पे आपको 40 आवर का प्ले टाइम दे देता है, और गाइस बर्ड्स की बैटरी आपको 7-8 आवर का प्ले टाइम देने वाली है। केस लगभग दोस्तों 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, और दोस्तों बर्ड्स लगभग 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएंगे। गाइस इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करें तो दोस्तों वहां पे आपको बर्ड्स देने वाले हैं 7 आवर का प्ले टाइम। अब बात कर लेते हैं इसके कॉलिंग क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों इसे मैंने आउटडोर और इनडोर में कॉलिंग के लिए यूज किया है। इसके माइक्रोफोन स्पीकर काफी अच्छे से वर्क करते हैं, कॉलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और दोस्तों कॉलिंग के दौरान इसका जो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मोड है वो भी काफी अच्छे से वर्क करता है, लगभग 80% तक बैकग्राउंड की नॉइस ये कैंसिल कर रहा है। गाइस इसे मैंने बाइक चलाते टाइम कॉलिंग के लिए यूज किया था, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो मैं आपको सुना देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन स्पीकर और दोस्तों एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मोड किस तरीके से वर्क कर रहा है। हेलो हेलो, हाँ यार क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, मेरे पास एक TWS है नॉइस का, ठीक है उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ। तो ये बताओ इसके माइक्रोफोन किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? सही से काम कर रहे हैं। आवाज मेरी क्लियर है ना? हाँ हाँ क्लियर है। ओके, और अभी मैं आउटडोर में हूँ, ठीक है बाइक चला रहा हूँ, रोड पे हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड की नॉइस कितनी ज्यादा रही थोड़ा बताओगे? बस 20% आ रही है, 80% कैंसिल कर रहा है ये। अच्छा 80% तक कैंसिल कर रहा है। हाँ हाँ, आउटडोर में कॉलिंग के लिए कैसा रहेगा ये? सही रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये बर्ड्स आपको IP55 रेटेड मिल रहे हैं। तो दोस्तों पानी की थोड़ी बहुत इस पे बूंदें गिर जाएंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और गाइस वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह हो रही है तब भी आप इसे यूज कर पाओगे, वहां पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके साउंड की क्वालिटी के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले कुछ दिनों से इस TWS को मैं यूज भी कर रहा हूं, ऑलमोस्ट सभी तरीके के मैंने इसे गाने सुने और वीडियो वगैरह भी देख रहा था। साउंड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में साउंड की क्वालिटी दोस्तों इसकी मुझे काफी बढ़िया लगी, आप लोग इंजॉय करोगे। वोकल्स दोस्तों काफी ज्यादा क्लियर है, जो सिंगर की आवाज होती है वो काफी क्लियरली आपको सुनाई देने वाली है, और गाइज बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं वो भी काफी क्लियरली आपको सुनाई देते हैं। इसमें आपको 12.4 mm के स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बेस भी मुझे काफी तगड़ा लगा है, अगर आप बेस म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो दोस्तों इसे आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं।
एक बात दोस्तों मुझे काफी अच्छी लगी है इस TWS की, अगर आप इसे 100% वॉल्यूम पर सुन रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह सुनाई नहीं देता है। अगर आप गेमिंग मोड ऑन कर लेते हैं उसके बाद कोई मूवी वगैरह देख रहे हो या कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको थिएटर वाला फील आने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों एडवांटेज इस TWS का मुझे ये लगा है, अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज करो तो दोस्तों वहां पे काफी तगड़े TWS रहने वाले हैं। और दोस्तों साउंड की क्वालिटी भी मुझे काफी बढ़िया लगी है इस प्राइस सेगमेंट में। लेकिन दोस्तों डिसएडवांटेज मुझे इसका ये लगा है, इसका जो ANC है उसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट होना चाहिए था। अब बात आती है 2299 में से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये TWS मुझे वैल्यू ऑफ मनी लगे हैं। अगर आप इसे लेना चाह रहे हो तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप आसानी से परचेस कर सकते हो। तो गाइज यही था रियलमी T300 TWS का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल पे नए हैं या इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।